अस्सलामुअलैकुम, जॉब इन्फॉर्मेशन गार्डन चैनल पर खुश आमदीद। नादरा लाहौर में ड्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की शानदार सहयोग का ऐलान हुआ है। एजुकेशन इसमें आपकी मास्टर या बैचलर या इंटर हो, सैलरी भी आपको बहुत प्रोकशिश दे रहे हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इसी प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट की जॉब अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत मशहूर हो सके। तो देखने जी आज की जॉब को, या आप देखिए नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी लाहौर डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ इसकी वैकेंसी है। अनाउंसमेंट है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, मैक्सिमम एज आपकी 30 हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग आपकी मैक्सिमम एज 28 हो। इसके अलावा 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन भी आपको दी जाएगी, यानी 30 साल प्लस 35 हो जाएगी और 28 प्लस 5 हो जाएगी 33। एजुकेशन डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर में आपकी मास्टर 2 ईयर है, बैचलर 4 ईयर हो, मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस अगर है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव में आप इंटरमीडिएट हों या आप उसके बराबर हों, इंटर आपने किया हो और 1 साल का अगर एक्सपीरियंस डेटा एंट्री में हो तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। बाकी नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन है जी, आप स्टडी कर लीजिएगा। आपने अप्लाई कैसे करना है जी, वो कहता है अप्लाई आपने हार्ड फॉर्म में नहीं करना, यस आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है जी, चलते हैं जी नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। बाकी नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन लिखता है जी, कैंडिडेट फ्रॉम अबव मेंशन तहसील विल बी प्रेफर्ड। अगर आप लाहौर तहसील से ताल्लुक रखते हैं तो आपको प्रेफर किया जाएगा, अदरवाइज आप आगे आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब सबसे पहले आपने गूगल में आना, गूगल में आपने लिखना है नादरा कैरियर, पहली जो वेबसाइट आपके सामने आएगी आपने इस पर क्लिक करना है। जी एक चीज़ आपको बताता चलूँगा, आपने व्यू ऑल ओपनिंग पे क्लिक करना है। इस एडवर्टाइजमेंट की जो आज एडवर्टाइजमेंट हुई है अखबार में, तो अभी तक ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर शो नहीं हो रही है, लेकिन कल ये जैसे ही इधर शो हो जाएगी तो आपको यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर भी इंश्योर हो रही होंगी। प्रोसीजर सबका अप्लाई करने का सेम है, एक जैसा है। इसके अलावा यहाँ पर तहसील सपोर्ट ऑफिसर की ऑल पाकिस्तान में पोस्ट अनाउंस होंगी, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना दी है, ये आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कल जब यहाँ पर अनाउंसमेंट इश्यू हो जाएगी तो आपने सबसे पहले व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी शो हो जाएगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मैंने अटैचमेंट में दिखाई है, मिनिमम एक्सपीरियंस आपको दिखाया वो आप शो हो जाएगा, वो आप देख सकेंगे यहाँ पर। तो अब जैसे अप्लाई नफर नाउ पर क्लिक करेंगे सेम उसका भी यही प्रोसीजर होगा। तो फर्स्ट ये आपके पास एक वेबसाइट शो होगी, तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे, आपने इसको फिल करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट डिटेल। फर्स्ट वन में इसमें आपने सीवी अपलोड करनी है, इसमें फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अपना CNIC नंबर यहाँ पर लिखना है और आपका आईडी कार्ड इशू कब हुआ तो आपने वो डेट यहाँ पर मैंशन करनी। अच्छा, लोकेशन जो है ना ये आपने यहाँ पर शो करानी, जो मैंशन करनी है लाहौर की करनी है क्योंकि ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट की है, इसलिए आप यहाँ पर लाहौर करके नेक्स्ट पे जब जाएंगे, नेक्स्ट पे जैसे आएंगे तो सेकंड स्टेप एजुकेशन का आपके पास ओपन हो जाएगा। एजुकेशन इसमें 1 बाय 1 आपने सारी ऐड करनी है, मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, आपने सारी इसमें ऐड करनी है। ठीक है जी, ये ऐड क्वालिफिकेशन पे ऐड करते जाएंगे तो ये ऐड होती जाएंगी इसके अंदर। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास क्योंकि मेंशन भी है उसके अंदर, आपने वर्क एक्सपीरियंस लाजमी इसमें मेंशन करना। 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 का इसमें लिख दें। रिक्वायर्ड टोटल मंथ कितने थे आपके, वो आप करके ऐड अपने एक्सपीरियंस पर क्लिक करना। ठीक है जी, अगर आप करंटली वर्क कर रहे हैं तो आप आई एम करंटली वर्किंग रोल तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। अगर एंड कर यस कर देंगे तो यहाँ पे अपनी स्टार्ट कब अपनी जॉब की तो वो डेट लिख करें, एंड डेट अगर आप करंट जॉब कर रहे हैं तो 2 डे कर दें, अदरवाइज वो भी लास्ट डेट इसकी आपने वहाँ से कब क्विट किया वो करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप इसका ऑपरेटर देंगे, फ़ोन नंबर अपना मैंशन करेंगे, ई मेल एड्रेस यहाँ पर देंगे, आई एम नाम ह्यूमन पर क्लिक करके आप फिनिश कर देंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। इसके अलावा आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।